बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। स्ट्रीटफील्ड ने विद्रोहियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण न किया तो उन पर गोलियां चलाई जाएगी। विद्रोही बिना भयभीत हुए विरोध की भावना के साथ उन्होंने चिल्लाकर जवाब दिया कि वे लड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोलीबारी शुरू हुई और इसका जवाब विद्रोहियों ने पत्थरों और तीरों से दिया। गोली का जवाब बहादुरी से तीरों से देते रहे। आखिर कितनी देर वे गोलियों के आगे टिक पाते? स्थिति को भांपते हुए उन्हें अपने कदम पीछे करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। घने जंगलों में उनके चले जाने के पश्चात जब अंग्रेजों ने युद्ध की स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि 4 मुंडा योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और 3 घायल पाए गए। साथ ही जंगल में 3 महिलाओं और एक लड़के के शवों की भी प्राप्ति हुई। 3 जनवरी 1919 को बिरसा मुंडा भी पकड़े गए। बिरसा को पकड़वाने में जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह का हाथ था, जो कि अंग्रेज हुकूमत के द्वारा रखे गए 500 रुपये के लालच में आकर उसके ठिकाने का उजागर अंग्रेजों को दिया था। बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया गया। 9 जून 1900 की सुबह 9 बजे अचानक उसकी मृत्यु जेल में हुई। कहा जाता है कि बिरसा की मृत्यु हैजा के प्रकोप से हुई, किंतु संभावनाएं व्यक्त की जाती रही हैं कि अंग्रेजों ने उसे जहर देकर मार दिया गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही नायक और भील समाज के इतिहास से जुड़ी वीडियो बनाते रहते हैं।